Hello everyone, I am Supriya, back with my another video, that is Independence Movement in Madhya Pradesh 1885 से 1947 तक. आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है. आपको जैसे पता होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था तब तक का सारा कुछ कवर कर लिया था, जैसे कि उसका बैकग्राउंड, उसके सारे मेन लीडर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, ये सारी चीज़, ठीक है. उसके बाद हमें आज की वीडियो शुरू करनी है 1885 से. 1885 क्यों मैंने मेंशन किया है, क्या हुआ था 1885 में ऐसा हिस्टोरिक, तो हमको देखने को मिलता है कि 1885 में क्या बना था, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है. द मोस्ट हिस्टोरिक इवेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बाय ए ओ ह्यूम, ठीक है. इनने बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 1885 में बनाया था, ठीक है. तो इसीलिए हमको यहाँ से देखना है 1947 के बीच में जो जो चीज़ें हुई हैं मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट, ठीक है. तो हम चीज़ें देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश, ठीक है. हमें पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे एनुअल सेशंस होते थे, ठीक है, पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन से इसके सेशंस इंपॉर्टेंट है, तो आज हम वो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है. तो पहला सेशन इसका हो गया कैलकटा सेशन, ठीक है. मतलब इसके चार सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये लिखा है मैंने, फोर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, ठीक है. तो इसके चार सेशन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, कैलकटा सेशन 1886, ठीक है. कैलकटा सेशन में क्या हुआ था, इसका सबसे पहले तो हम देखिए सारे सेशन के हेड देखते चलेंगे कि कौन सा सेशन किसने हेड कराया और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है. तो कैलकटा सेशन हेडेड बाय दादा भाई नरोजी, ठीक है. इनका नाम देख लेंगे अब, किसने हेड करा है, दादा भाई नरोजी जी. कौन थे दादा भाई नरोजी, पता होना चाहिए कौन थे. इनको क्या कहते थे, इनको कहते थे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है. द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे, ठीक है. इन्होंने क्या किया था, वाई इज़ इम्पोर्टेंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने, याद है हमको, ठीक है. तो हमको इनके बारे में ये चीज़ याद रखनी, ठीक है. दादा भाई नौरोजी वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द लीडर ऑफ द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886, दैट इज कैलकटा सेशन, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है. और इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज़, मतलब इसमें मध्य प्रदेश से रिलेशन क्या है, तो मध्य प्रदेश देखिए उस टाइम पे तो मध्य प्रदेश वॉज नॉट अ इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ठीक है. तो क्या हुआ, ये मध्य प्रदेश जो सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्रोविंस जो भी इसको कहते थे, वहाँ से तीन लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया, यहाँ से पार्ट लिया, तो इसीलिए ये इससे कांग्रेस से रिलेशन इसका मध्य प्रदेश का हो जाता है. तो कौन से कौन से वो तीन लोग थे, उनका नाम हमको याद रखना है, प्रिलिम्स के फैक्ट है, तो एज ए फैक्चुअल थिंग कह सकते हो आप, तो आपको ये चीज़ें याद रखते चलनी है. तो कौन कौन से लीडर्स थे वो, बापू राव, ठीक है, नाम हमको नोट करते चलना है, बापू राव, गंगाधर चिटनिस और थर्ड लीडर हमारे कौन थे, अब्दुल अजीज, ठीक है, अब्दुल अजीज. तो ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ठीक है, जिन्होंने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, मध्य प्रदेश से पार्ट लिया था कांग्रेस के एनुअल सेशन में, ठीक है. हो गया ये एक सेशन कंप्लीट हमारा. सेकंड सेशन कौन सा था, नागपुर का सेशन 1891 में हुआ, ठीक है. इसकी जो लीडरशिप थी वो किसके पास थी, तो हम देखेंगे इसकी लीडरशिप थी हमारे आनंदाचार्यू, ठीक है. आपने जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उनका नाम कई बार आया होगा, ठीक है. इट वॉज अ रिवॉल्यूशनरी कह सकते हो वो जो भी थे. तो इन्होंने इसका नागपुर सेशन का इन्होंने लीडरशिप इनके हाथ में थी, ठीक है. और इस सेशन को इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी समय इसी सेशन की जो आइडियोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव चालू करा था. क्यों करा था, टू यूनाइट इंडिया, है ना, रिलीजियस, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि रिलीजियसली हम जितनी यूनिटी हमें आज देखने को मिलती है ना, इतनी और किसी परस्पेक्टिव में देखने को नहीं मिलती. तो उन्होंने तब भी यही वेपन यूज़ करा कह सकते हैं. तो शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव उन्होंने पैन इंडिया में चालू करा, और मध्य प्रदेश में भी सेम चीज़ हुई. मध्य प्रदेश में भी एज अ एजेंडा ऑफ कांग्रेस गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव चालू हुआ, लेकिन किस जगह से चालू हुआ वो हमको आइडेंटिफाई करना है. तो वो चालू हुआ था बुरहानपुर से, ठीक है, बुरहानपुर जो एरिया है वहाँ से चालू हुआ था. और किसने चालू करा था, तो मार्तंड राव मजूमदार, ठीक है, नाम याद रखना है हमें इसका, ठीक है. किसने चालू करा था, मार्तंड राव मजूमदार, ठीक है. इन्होंने चालू करा था हमारा शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में, है ना. कौन से सेशन में, हमारे नागपुर के सेशन में 1891 में, जिसने जो हेड करा था हमारे आनंदाचार्यू जी, ठीक है. तो ये हमारे दो सेशंस कवर हो गए हैं. उसके बाद थर्ड आ गया हमारा लाहौर सेशन 1893 का. अब ये इंपॉर्टेंट क्या है और ये किसने हेड करा है, तो हम देखेंगे कि ये फिर से हेड किसने करा है, दादा भाई नरोजी जी, ठीक है. दादा भाई नरोजी जी ने
फिर से हमारा लाहौर का सेशन 1893 का हेड करा है। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से जो हरी सिंह गौर, आप सभी को पता होगा कि ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, सागर में जो हमारी यूनिवर्सिटी है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इन्हीं के नाम पर है, हरी सिंह गौर जी की। तो उन्होंने मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस में उन्होंने पार्ट लिया था, ठीक है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो लाहौर सेशन हमारा 1893 वाला इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आ गया त्रिपुरी सेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द हिस्टोरिक वन, नॉट ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बट इन जनरल पैन इंडिया के लेवल पर भी देखें तो त्रिपुरी सेशन बहुत ही हिस्टोरिक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इस सेशन में क्या हुआ था, इस सेशन में ये हुआ था कि लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। किस किस के बीच लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हुआ कहाँ था। त्रिपुरी कहाँ है? जो जबलपुर है, जबलपुर में जो कलचूरी डायनेस्टी ने रूल किया है, तो वो वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? त्रिपुरी, ठीक है। तो जबलपुर वाला जो रीजन था वहाँ हुआ था ये सेशन, ठीक है। जबलपुर में भी अगर आप प्रॉपर जगह देखें तो तिलवारा घाट, तिलवारा घाट को हम बताते हैं कि तिलवारा घाट पे ये सेशन हुआ था, ठीक है, तिलवारा घाट वाला जो एरिया है वहाँ पे। और तिलवारा घाट के इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि महात्मा गांधी की जो अस्थियाँ हैं वो यहाँ पर विसर्जित, या कहते हैं कि नर्मदा में तिलवारा घाट पे ही हुई थी, ठीक है। इसीलिए हमको याद रखना है कि ये सेशन कहाँ हुआ था, तिलवारा घाट पे हुआ था 1939 में जबलपुर में, ठीक है। और इस सेशन में क्या, और हाँ, गोविंद भवन जो आज भी जबलपुर में एक जगह है वहाँ पे ये लोग मीटिंग हुई थी इन सबकी सारी, तो इसीलिए हमें गोविंद भवन नाम भी याद रखना है, ठीक है। और इसमें हुआ कहते हैं, इसमें लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट हुआ था किस किस के बीच? सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया, उनके बीच हुआ था लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट। क्या हुआ था कि हमें पता है कि जितने भी कांग्रेस के एनुअल सेशन होते थे उनके पहले ही जो इलेक्शन ऑफ द लीडर वो हो जाता था, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ द लीडर हो जाता था, तो क्या हुआ कि लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस एक कैंडिडेट थे, दूसरे पहले मौलाना आज़ाद साहब जो थी वो उनको कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। फिर गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने डॉक्टर पट्टाभि को इंसिस्ट किया कि आप अपना नाम एज अ कैंडिडेट प्रेजेंट करें और आप इलेक्शन लड़ें अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा और रिजल्ट क्या हुआ इलेक्शन का, इलेक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और डॉक्टर पट्टाभि हार गए, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हुआ क्या, इससे गांधी जी बहुत ऑफेंड हो गए। और गांधी जी ने ये देखिए, मैंने ये नीचे मेंशन कोट करके, कोट मेंशन करके रखा है, तो उस कोट में मैंने ये बताया है कि गांधी जी ऑफेंड हो गए। और गांधी जी ने क्या बोला, तो गांधी जी ने क्या हुआ कि इन जो पट्टाभि की हार थी ना, उन्होंने बहुत अपनी पर्सनल हार मान लिया उसको। और गांधी जी ने देखिए, ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, उन्होंने कहा था कि आई एम ग्लैड ऑफ हिज विक्ट्री, सुभाष जी के बारे में बात कर रहे हैं कि आई एम ग्लैड ऑफ हिज विक्ट्री एंड सिंस आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इंड्यूसिंग डॉक्टर पट्टाभि नॉट टू विड्रॉ हिज नेम आफ्टर मौलाना आजाद साहेब डन सो, द डिफीट इज मोर माइंड देन हिज। तो ये सेंटेंस अकेला कि द डिफीट इज मोर माइंड देन हिज, मतलब जो डॉक्टर पट्टाभि की हार है वो उनकी हार से ज्यादा मेरी हार है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है, ये सेंटेंस उन्होंने कोट करा है। तो इससे क्या हुआ, इससे सुभाष चंद्र बोस जी काफी ऑफेंड हो गए, काफी मतलब डिप्रेस कह सकते हो कि निराश हो गए कि मतलब गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर क्या, और क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट तो एज अ लीडर हो गए थे, लेकिन उनको जिस कमेटी के साथ काम करना था, वो कमेटी कौन सी थी? वो कमेटी तो बेसिकली गांधी जी के कैंडिडेट्स वाली ही कमेटी थी, ठीक है। तो अब गांधी जी ने, और उसके बाद एक चीज़ और बोली थी गांधी जी ने कि मतलब आई विश यू लक ऐसे करके, उन्होंने, मैं एग्जैक्ट तो नहीं याद है मुझे, कि मतलब वो उनको विश ही कर रहे थे कि ठीक है, अच्छा हुआ आप जीत गए, लेकिन जो कमेटी है, जो माइनॉरिटी है, मेजोरिटी जो भी कमेटी है, वो दे वॉन्ट सपोर्ट यू। तो अब इससे सुभाष चंद्र बोस जी क्या ही करते, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने इस सेशन में अपनी लीडरशिप से इस्तीफा दे दिया। और फिर इस सेशन का हेड किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। ये याद रखना है हमको, ठीक है, किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, आफ्टर द लाइक उनका रेजिग्नेशन ऑफ बोस जी, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को हेड बनाया गया। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कांग्रेस के 4 सेशन मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में कैसे हुए हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है 11 नंबर में कि लिखिए कि कांग्रेस की वॉकिंग या कांग्रेस का क्या रोल रहा है मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, तो आप सीधा सीधा ये 4 सेशन मैंशन करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने फोटो ऐड करी, ये कांग्रेस का जब इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, तो पहला सेशन हुआ था, ये तब की फोटो है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें भी देखते चलें। तो हमारा हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन मध्य प्रदेश। INM क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट इन मध्य प्रदेश 1900 से 1947। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या हुआ है 1906 या 1907 में, एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप कह सकते हैं कि राजनीतिक, हाँ, तो रिवॉल्यूशनरी एक जो ग्रुप था 1906 से 1907 को कब बना, कहाँ पर बना? जबलपुर में बना, ठीक है, मध्य प्रदेश में।
ये शुरुआत थी, मतलब कह सकते हो आप कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की, मतलब ये रिवॉल्यूशनरी, ये जो सारी चीज़ें थी इनकी, ठीक है, 1906 1907 के दौरान बना था एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जबलपुर में, ठीक है, ये देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी ग्रुप हो गया, उसके बाद 1916 में होम रूल जो है वो स्टैब्लिश हुआ जबलपुर में, ठीक है, क्या हुआ, 1916 में होम रूल मूवमेंट चल रही थी हमारी ऑल इंडिया में, पता है हमको, तो जबलपुर में भी ये 1916 में शुरू हुआ, ठीक है, ये दो चीज़ें हुई बैकग्राउंड। अब हमारी पहली मूवमेंट आ गई है खिलाफत मूवमेंट। ये जो सारी मूवमेंट है, बस कह सकते हैं कि गांधी जी की डोमिनेटेड मूवमेंट्स थी ना, गांधी जी इन सारे में लीडर्स रहे हैं, तो कह सकते हो कि गांधी जी की मूवमेंट्स भी अगर हमसे पूछते हैं मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, तो हमको ये बतानी है, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट है, सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट कब की है, 1919-1920 की है। क्या बैकग्राउंड है खिलाफत मूवमेंट का, अगर इंडिया के परस्पेक्टिव में भी देखें तो दैट इज कि जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर वन में एंड में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, टर्की जो ऑटोमन एम्पायर था उसके साथ क्या करा, ट्रीटी ऑफ सेवरिस, क्या था, ट्रीटी ऑफ सेवरिस, ये साइन हुई थी। ये साइन हुई किस ईयर में साइन हुई थी, 1920 में, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर, जो टर्की का ऑटोमन एम्पायर था जिसका हेड खलीफा मानते थे जिसको हम, उनके साथ इन्होंने ट्रीटी साइन करी, और क्या हुआ कि जो खलीफा का पद था समाप्त कर दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो और जो खलीफा था उसके जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स थे, या फिर ऑल द वर्ल्ड, मतलब जितने भी मुस्लिम थे, वो जो खलीफा था उनको अपना रिलीजियस हेड मानते थे, तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो दे गेट ऑफेंडेड, ठीक है, ऑफेंड हो गए, और उन्होंने क्या करा, एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, किसकी लीडरशिप में, अली ब्रदर्स, ठीक है, किसकी लीडरशिप में, अली ब्रदर्स की लीडरशिप में, शौकत अली, मोहम्मद अली का हमें पता है कि नाम, उनकी लीडरशिप में इन्होंने क्या करा, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और अगर मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखें तो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बड़ा नाम आता है अब्दुल जब्बार खान का, ठीक है, क्या नाम है, अब्दुल जब्बार खान, अलग अलग स्पेलिंग मिलेगी आपको, अब्दुल जब्बार खान ये इनका नाम है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में खिलाफत मूवमेंट का स्टार्ट या खिलाफत मूवमेंट की लीडरशिप इनके हाथ में थी, ठीक है। और अमजल खान या अजमल खान, अलग अलग नाम मिलता है, उन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट में लीडरशिप की थी जबलपुर से ही, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में इसके कौन दो बड़े लीडर्स हो गए, अब्दुल जब्बार खान और अजमल खान, अमजल खान, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये खिलाफत मूवमेंट हमारे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में खत्म, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसके बड़े मेल लीडर कौन थे, इसके मेल लीडर थे हमारे, यहाँ लिखूंगा, इसके मेल लीडर थे अगर हम देखें तो प्रभाकर डुंडीराज, कौन थे इसके मेल लीडर, प्रभाकर डुंडीराज, ठीक है, ही वॉज द मेन लीडर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन मध्य प्रदेश 1920। और ये जो मध्य नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी कह सकते हैं कि मेन सराउंड जबलपुर वाला एरिया था वहीं पर, मतलब स्टार्ट हुआ वहीं पे, ज़्यादा इसका हमको देखने को मिलता है सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इसके मेन लीडर प्रभाकर डुंडीराज हो गए, ठीक है। और भी इसमें मेन और अदर लीडर्स थे, इन्होंने स्टार्ट करा था वैसे मध्य प्रदेश में, इसीलिए इनका नाम बड़ा है, इसीलिए इनका नाम हमें याद रखना रहता है। और क्या हुआ था, 20 मार्च 1921 को, कब, 20 मार्च 1921 को गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोर्स देखने, या फिर इसको इनको सपोर्ट करने गांधी जी जबलपुर आए थे, किस डेट को, 20 मार्च 1921 को, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने दोनों चीज़ें देख ली कि प्रभाकर डुंडीराज वॉज अ मेन लीडर, और क्या हुआ कि हाँ 20 मार्च 1921 को गांधी जी आए हैं। और क्या क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन, मतलब कि असहयोग करा तो कैसे कैसे करा, क्या हुआ है कि सीहोर और झाबुआ में बॉयकॉट देखने को मिला है हमको, किसका, फॉरेन क्लोथ्स और फॉरेन आइटम्स का, कहाँ पे, सीहोर और झाबुआ में, कहाँ मिला है, सीहोर और झाबुआ में हमको बॉयकॉट देखने को मिला है, किस डेट तो नहीं मेंशन है, 1922 बस है, 1922 में सीहोर और झाबुआ में बॉयकॉट देखने को मिला है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमको महाकौशल रीजन जो था ना, कहाँ था महाकौशल रीजन, मैं आपको हर वीडियो में शायद मेंशन आया ही है, महाकौशल रीजन जबलपुर वाला रीजन है ना, डिंडोरी कटनी जबलपुर वाला रीजन, उसको महाकौशल रीजन कहते हैं। तो उस वाले रीजन से क्या हुआ, तो उस वाले रीजन से कुछ मेन लीडर्स थे जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, और हमारे माखनलाल चतुर्वेदी और द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है, तीन लीडर्स देखने को मिलते हैं, मेन और भी लीडर्स थे लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, और द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है, ये तीन मेन लीडर्स महाकौशल रीजन से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे थे, इनने लीडरशिप ली कि देवर फाइटिंग, मतलब देवर रिवोल्टिंग, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये हो गया बैकग्राउंड,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद आ गया हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, पता ही है हमको। उसमें क्या हुआ है, 1930 का है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका क्या रोल रहा है, मध्य प्रदेश में बेसिकली, मध्य प्रदेश में ये हुआ है कि मध्य प्रदेश में इसके जो मेन जो लीडर्स थे वो थे देवदास गांधी और सेठ गोविंद दास। ठीक है, कौन कौन थे, देवदास गांधी एंड सेठ गोविंद दास। ठीक है, ये हमको इसके मेन लीडर्स देखने को मिलते हैं, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की 1930 में। और इसी इसी टाइम पे क्या हुआ था, इसी टाइम पे ये हुआ था कि जो दुर्गा शंकर मेहता जी थे उनने शिवनी से सॉल्ट लॉ ब्रोक करके क्या करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू करा। ठीक है, तो हमको नमक सत्याग्रह कह सकते हो कि नमक सत्याग्रह भी इसी समय का था। किसने कंटिन्यू कराया, वो दुर्गा शंकर मेहता जी ने शिवनी से। ठीक है, तो हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन इसके मेन लीडर्स हैं, दुर्गादास मेहता और सेठ गोविंद, दुर्गादास राठौर और सेठ गोविंद दास, ये दोनों इसके मेन लीडर्स याद रखने हैं हमको। ठीक है, और दुर्गा शंकर मेहता या क्या याद रखने कि उन्होंने नमक सत्याग्रह करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, कहाँ से, शिवनी से करा, सॉल्ट को ब्रोक करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तो बड़ा है ना, पैन इंडिया के लेवल पर भी देखें तो दिस वॉज अ हिस्टोरिक मूवमेंट, है ना, 1942 में शुरू हुआ था। और मध्य प्रदेश में ये कहाँ से कब से शुरू हुआ है, तो ये 2 अक्टूबर 1942 में विदिशा से शुरू हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारे बाद के हम जो हमें हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है, जो हमें बड़े बड़े लीडर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, और भी पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना, और सरोजनी नायडू, और बाकी बड़े बड़े जितने भी लीडर्स थे, तो वो हमें जो इस मूवमेंट के दौरान इमर्ज हुए हैं मध्य प्रदेश में, उनका हमें रोल बाद के हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। तो ये जो सारे लीडर्स थे ना, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही इमर्ज हुए थे। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ था कि हमें इंदौर में भी, जैसे अगर आप रहते हो तो मालनी सरवटे, इंदू पाटकर, ये लोग आपको पता होगा, इन लोग को आप जानते हो कि, तो ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम के ही लीडर्स थे। ठीक है, इन्होंने इंदौर से रिवोल्ट करा था। ठीक है, और उस रिवोल्ट के दौरान क्या हुआ था, एक लीडर जो है उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि हाँ, मगन लाल ओसवाल। मगन लाल ओसवाल का क्या हुआ था, इन्होंने 6 सितंबर 1942 को इनको इनकी डेथ हो गई थी इस क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे रिवोल्ट करते करते। ठीक है, और इसी को सराफा कांड भी कहते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट में फिर इनकी डेथ के बाद में अगेंस्ट में लोगों ने रिवोल्ट करा, सत्याग्रह करा, तो सराफा कांड भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमको इंदौर के प्रस्पेक्टिव में भी याद रखना है, मध्य प्रदेश में तो 2 अक्टूबर 1942 विदिशा से शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है क्विट इंडिया मूवमेंट की, वो ये थी कि महादेव तेली जो थी, ठीक है, महादेव तेली, डेट क्या है महादेव तेली की, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1942 को महादेव तेली जो जी थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो हमारे बैतूल का प्रभात पट्टा एक जगह है, वहाँ पे बाजार लगा हुआ था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के एक्साइटमेंट में लोग वहाँ पर मतलब इकट्ठा हुए। उसके बाद महादेव तेली और इनके साथ में जो भी लोग थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो ब्रिटिश पुलिसमैन थे उनके कपड़े फाड़ कर उनको खादी के जबरन मतलब फोर्सफुली खादी के कपड़े पहनाए। इससे जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ऑफेंड हो गए, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने महादेव मतलब है ना, ऐसे अनआर्म्ड जो लोग थे उन पे उन्होंने गोली चलवा दी, और महादेव तेली की इसमें डेथ हो गई थी। तो इसीलिए महादेव तेली बड़ा नाम है, और ये हमें इसीलिए इनको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कि इनका रोल क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे रहा है, किस एरिया से रहा है, बैतूल के प्रभात पट्टनम जो एरिया था वहाँ से इनका रोल रहा। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में इतनी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारा, 1906-07 में जबलपुर में रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बना है, 1960 में होम रूल मूवमेंट जबलपुर से शुरू हुआ है, खिलाफत मूवमेंट, ऑटोमन टर्की जो एम्पायर था उसके साथ ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ सेवरस जो है वो चालू कर ली, साइन कर ली थी, जिससे खलीफा का पद समाप्त हो गया था, जिसकी वजह से पैन इंडिया में देखे तो अली ब्रदर्स, और मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखे तो कौन है, अब्दुल जब्बार खान। ठीक है, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट की लीडरशिप ली थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में प्रभाकर डूंडीराज का नाम हमें याद रखना है, 20 मार्च 1921 को गांधी जी आए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोर्स देखने, ये हमको याद रखना है। और हमको उसके क्या याद रखना है, इसमें जो अदर लीडर्स थे उनके नाम है हमको याद रखने, राजेंद्र प्रसाद वगैरह ये सब इस, और हाँ, सीहोर और झाबुआ से बॉयकॉट जो हुआ है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान 1922 में। ठीक है, ये हमको याद रखना है। महाकौशल रीजन से सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद, इन लोग की लीडरशिप का इमर्जेंस हमको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही देखने को मिलता है। ठीक
ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर आगे हमारा तीसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का, इसमें क्या हुआ, आस सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसमें जो मेजर लीडर्स थे है ना, दुर्गादास राठौर है ना, ये हमको याद रखने हैं। और हम याद रखने हैं कि दुर्गा शंकर मेहता ने नमक सत्याग्रह सॉल्ट लॉ ब्रेक करके नमक सत्याग्रह शिवनी से चालू किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, ये याद रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे क्या याद रखना है, गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था कि हमें या तो आ, आ, भारत को आज़ाद करने करना चाहिए और वरना उसकी आज़ादी के प्रयास में मर जाना चाहिए, लेकिन हमको कंटिन्यू उसको आज़ाद करने के लिए मतलब प्रयास करते रहना चाहिए, ये था, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1942 विदिशा से ये शुरू हुआ था है ना। इंदौर में इसकी लीडरशिप किस किसने ली थी, जो मालिनी सरवटे, इंदू पाटकर, ये सारे इसके लीडर थे। और जिसमें जो नाम मैं फिर भूल गई उनका, कि जो हमारे मगनलाल ओसवाल थे उनकी डेथ हो गई थी है ना, वो सत्याग्रह कर रहे थे और उसके वजह से जो लोगों ने सत्याग्रह चालू करा, और उसी को सराफा कांड भी कहते हैं। और महादेव तेली जो थे, 12 अगस्त 1942 को इन्होंने जो बैतूल की प्रभातपट्टनम है उस वाली जगह से इन्होंने खादी के क्लोथ ब्रिटिशर्स को जबरन पहना दिए, जिसके चक्कर में ब्रिटिशर्स ऑफेंड हो गए और उन्होंने गोली चला दी, और जिससे महादेव तेली जी की डेथ हो गई, मतलब शहीद हो गई वो, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स हमें इन चारों मूवमेंट्स का देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये सत्याग्रह है मध्य प्रदेश के, ठीक है। सत्याग्रह मध्य प्रदेश में हमें 3 लेवल पे मिलते हैं, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। आपको फोटो में भी समझ आ रहा होगा, तो नमक सत्याग्रह हम अपना वैसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जो शिवनी से दुर्गा शंकर मेहता जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे सॉर्ट को ब्रेक करके ये चालू करा था। झंडा सत्याग्रह में ये देखना है कि झंडा सत्याग्रह शुरू कब हुआ था, ये शुरू हुआ था बेसिकली 18 जून को झंडा दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्यों, इसी के उपलक्ष्य में कि झंडा सत्याग्रह, जब जिस दिन झंडा तिरंगा जो हमारा है तिरंगा झंडा फहराया गया था 18 जून को, ठीक है, तो इस दिन झंडा दिवस मनाते हैं। और 1923 ईयर याद रखना है, कहाँ से शुरू हुआ था, जबलपुर से, ठीक है। बाकी मैं लिख नहीं रही हूँ, बाकी मैं आपको बोल बता देती हूँ, अब याद रखें। झंडा सत्याग्रह के टाइम पे ये हुआ था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो उसका कोर्स जानने की, वो कैसे चल रहा है, उसकी वर्किंग जानने के लिए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी हेडेड बाय हकीम अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान ये नाम लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ये आप देख लें थोड़ा। हकीम अजमल खान जो थे है ना, वो उस कमेटी के हेड थे, तो वो कमेटी कांग्रेस की कमेटी इनकी लीडरशिप में जबलपुर आई थी, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोर्स जानने, कब, 1923 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जो जबलपुर के लोकल लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि इनकी वेलकम के लिए हम एक काम करते हैं कि हम वो लहराते हैं तिरंगा झंडा, टाउन हॉल पे हम अपना झंडा फहराते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब ये आए उनकी वेलकम के लिए, उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया, और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ही ऑफेंसिव एक्ट के तौर पर देखा गया, कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तो डोमिनेटेड पोजीशन पे हो, आप कैसे झंडा फहरा सकते हो, है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं थे तब। तो इसको उन्होंने बहुत ही ऑफेंसिव एक्ट लिया, और जो लीडर्स थे, मेल लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया। और इसके झंडा सत्याग्रह के मेल लीडर्स हमको कौन कौन देखने को मिलते हैं, वो हम देख लेंगे एक बार, वो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ। तो इसके मेल लीडर्स थे हमारे देवदास गांधी, राजेंद्र प्रसाद, रामगोपालाचार्य भी हमको इसको देखने को मिलते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान भी इसके मेल लीडर हैं, ठीक है। उसके बाद नागपुर 13 अप्रैल को 1923 में, 13 अप्रैल को नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। ये पूरा कोर्स था, मतलब कांग्रेस ने फिर इसको अपनी एज आइडियोलॉजी, मतलब जो कहते हैं ना एजेंडा बनाते थे, कि जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्वदेशी और ये सारी, तो झंडा सत्याग्रह, मतलब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, तो झंडा सत्याग्रह को भी एज अ एजेंडा ऑफ कांग्रेस उन्होंने अपनाया था, ठीक है, आफ्टर जो इसका सक्सेस हुआ था उसके बाद, ठीक है। तो ऐसा हमारा झंडा सत्याग्रह हुआ, ठीक है। और उसी के बाद से 18 जून को झंडा दिवस मनाने लगा। तो ये न्यूज़ का मैंने आर्टिकल भी ऐड करा, देखिए नई दुनिया का है, कि जबलपुर न्यूज़ में जो है, शहर से शुरू हुआ झंडा सत्याग्रह 18 जून झंडा दिवस के रूप में बना देशव्यापी आंदोलन, ठीक है, बट 18 जून को झंडा दिवस मनाने लगी थी तब से, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह में हम देखेंगे, वैसे तो 4 जंगल सत्याग्रह हुए थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट मेंशन किए, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, तुरिया। घोड़ा डोंगरी में क्या हुआ था, घोड़ा डोंगरी में गंजन सिंह कोरकू जो थे, उन्होंने जंगल सत्याग्रह चालू करा था अगेंस्ट दी फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो गंजन सिंह कोरकू ने घोड़ा डोंगरी से जंगल सत्याग्रह चालू करा। घोड़ा डोंगरी कहाँ है, बैतूल का जो रीजन है ना, जहाँ पे आज सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो घोड़ा डोंगरी के स्टेशन है वहीं पे, दुर्गा शंकर सॉरी गंजन सिंह कोरकू ने 1930 में जंगल सत्याग्रह यहाँ से चालू करा। और तूरिया जंगल सत्याग्रह में क्या हुआ, तूरिया जंगल सत्याग्रह जो शिवनी के जंगल है ना, तूरिया वहाँ पे जो जगह है, जो उसके सैंडलवुड के जो जंगल है ना, हमको वो देखने को मिलते हैं, तो वो हमें शिवनी से चालू करा। और किसने चालू करा, इसके जो मेन लीडर्स अगर हम देखें तो लीडर्स नहीं थे, कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो जंगल में घास काट कर एज अ रिवॉल्यूशनरी एक्ट
ब्रिटिशर्स को बताया, मतलब सत्याग्रह तो सत्याग्रह ही होता है, आराम से ही करते थे, तो इसीलिए उन्होंने घास काट के बताया कि मतलब वी आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट योर पॉलिसीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने गोली चलाई, गोली चला दी उनके अगेंस्ट में, कि उनके रिवॉल्यूशनरी एक्ट के अगेंस्ट में। तो ये गुड्डो भाई, रेनो भाई, देवो भाई और ये बिरजू गोट, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई इसी समय। ठीक है, वो जंगल सत्याग्रह के समय। और क्या हुआ कि उनकी जो डेड बॉडीज थी वो भी उनके घर वालों को नहीं दी गई। ठीक है, तो ये हुआ था तुरिया जंगल सत्याग्रह के समय पर। ठीक है, और दो जंगल सत्याग्रह थे, वो थे घुनघुटी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, यहाँ बता देती हूँ मैं, घुनघुटी जंगल सत्याग्रह, और एक हुआ था ओरछा में जंगल सत्याग्रह। ये घुनघुटी जंगल सत्याग्रह था, ये उमरिया का था। ठीक है, 1930 के समय के हैं ये भी। तो घुनघुटी जंगल सत्याग्रह जो था उमरिया में, उमरिया से हुआ, और ओरछा के जो बेतवा नदी के किनारे भी एक जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 के ही समय। ठीक है, तो ये चार जंगल सत्याग्रह हमने देख ली है। उसके बाद देखा है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह तो वैसे हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, कि 1930 में ये दुर्गा शंकर मेहता ने शिवनी से नमक सॉल्ट ऑफ ब्रोक करके नमक सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, और इसी टाइम पे सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी नमक सत्याग्रह का मतलब एज अ लीडर उन्होंने भी इसको प्रमोट करा था। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स रहा है सारे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट और सत्याग्रह मध्य प्रदेश में जो जो हुए उनका। ठीक है, उसके बाद अदर इंसिडेंट्स और लीडर्स जो हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लेकिन ये जो आंसर आया 2020 की मेंस का, ये देखने को हमें मिलता है कि सीधा सीधा आंसर आता है 5 नंबर में, झंडा सत्याग्रह पे शॉर्ट नोट लेके। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं झंडा सत्याग्रह, सबसे पहले तो जो न्यूज़ का आर्टिकल था उससे या तो कंक्लूड कर ले या फिर उससे इंट्रोड्यूस कर दें अपने आंसर को। 18 जून सेलिब्रेटेड एज अ लाइक अ फ्लैग डे, झंडा सत्याग्रह का जो दिवस है उसको हम एज अ झंडा दिवस मनाते हैं 18 जून को। ठीक है, क्यों मनाते हैं, क्योंकि झंडा सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम दिस रीजन, आप जबलपुर वाला रीजन बता देंगे, इसके मेन लीडर्स बता देंगे। अगर 5 नंबर में थोड़ा सा स्पेस है तो आप इसका बता भी देंगे कि जो कांग्रेस की कोर कमेटी थी हेडेड बाय हकीम अजमल खान वो आई थी। ठीक है, उसके बाद टाउन हॉल में झंडा फहराया था जिसको ब्रिटिशर्स ने ऑफेंसिव एक्ट ऐड करा, ऐसे कर करके आप इसको पूरा डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन 18 जून एज अ झंडा दिवस आप जरूर मेंशन करें झंडा सत्याग्रह। उसके बाद कंक्लूड इससे भी करते हैं कि कांग्रेस ने इससे प्रभावित होकर है ना अपनी जो नेशनल एजेंडा था उसमें भी झंडा सत्याग्रह को अपनाया। ठीक है, तो दिस वॉज आवर वीडियो टुडे। ठीक है, इन आर नेक्स्ट वीडियो वील कवर ये हम अपने अदर मूवमेंट्स जो मध्य प्रदेश में हुए वो कवर कर लेंगे, और जो लीडर्स बचे हैं, जो मेन मेन लीडर्स कुछ कुछ छूट गए हैं जो 1957 के रिवॉल्ट में कवर हुए हैं और इन बिटवीन तो अभी हमने करे नहीं है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।